इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं तथा यह वीडियो मनोरंजन और सिर्फ जागरूक। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गोंडोला राइड के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ से केबल कार से ऊपर जाते हैं। तो अपन चलते हैं, इसका टिकट है 750 रुपये। अगर आप लाइन में लगते हो तो आपको 750 रुपये देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आसपास लोग मिल जाएंगे, उनसे आप करवाते हो टिकट तो आपको सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा देना है और आपका गोंडोला राइड का जो केबल कार का टिकट है वो हो जाएगा। 200 रुपीज़ की फीस भी दी है इसमें साथ में। हाँ जी, आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बहुत बर्फ़ हो जाती है, तो इसलिए आप देख सकते हैं नीचे जूते भी हैं, फिर आपको लेना है कंपलसरी। अभी चलते हैं अपन सीधा ऊपर केबल कार से। देखिए आपकी भीड़ हो रही है, दिखाइए इधर दिखाइए बाहर। निशान भाई ये बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, बहुत एक्सपीरियंस है। लाइन में काफी वेट करने के बाद फाइनली हम बैठ चुके हैं केबल कार में। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है केबल कार का और शायद ये काफी अमेजिंग व्यू होने वाला है। केबल कार की ऊंचाई से देखने पर बाहर का नजारा काफी शानदार है। आप भी कभी गुलमर्ग आते हैं तो ये नजारा एक्सपीरियंस करना ना भूलें। हम फेस वन पर पहुंच गए, आप देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो ये ऊपर फेस टू है, उसके लिए 950 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है। और यहाँ पे अपन एक्टिविटीज वगैरह करेंगे, देखते हैं दिखाते हैं। चलो चलते हैं। आप कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है, VIP रेस्टोरेंट है, आपके बजट वाले भी है। केबल कार से हम अभी यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ पर अभी हम ये फूड स्टॉल लगी हुई है, तो यहाँ पे हम खाने जा रहे हैं। अभी मेन्यू देखेंगे कितना रुपीज़ थोड़ा रेट हाई है इधर का, फिर उसके बाद हम एक्टिविटी करने जाएंगे। वो आप देख रहे हैं गाड़ी वाड़ी चल रही है उधर, आपको दिख रहा है ये गाइस। तो चलिए चलिए खाना, इट इज सो चीप, वी आर रिच पीपल्स एंड दिस इज सो चीप, आई कांट ईट इट, आई वांट सम एक्सपेंसिव फूड, लेट्स गो। मालिक खर्चा हो रहा है तो सकते हैं, मतलब बहुत कम जगह पर स्नो है क्योंकि स्नो फॉल नहीं हुई है, बहुत टाइम हो गया है। मतलब 9 तारीख को लास्ट स्नो फॉल हुई थी, वैसे अगर स्नो फॉल रिसेंट डेज में होती है तो मुझे पूरा चादर सा बन जाता है, पूरा कवर कर लेता है। यहाँ पे स्कीइंग मतलब एक्टिविटीज करने में भी मजा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी वजह से हमने कोई एक्टिविटी नहीं की। अगर आप कश्मीर आते हैं तो तभी आए जब स्नो फॉल हो, वरना यहाँ पे आना कोई वर्थ इट नहीं है, टोटली पैसा वेस्ट है। हम टूरिस्ट लोगों को बताते हैं 2700 पर आपको 2700 चीज का स्कीइंग करा, वो देखो ना सब लोग वहीं पे जा रहे हैं स्कीइंग कर रहे हैं आपको, पर वो 2700 हाँ एक का, पर आपको वो रेट नहीं बोलूंगा आपको मैं, सिर्फ कम मतलब क्या क्या रहेगा इसमें अपन आप बता सकते हैं। एक स्टिक रहेगा, 2 स्टिक होता है पुश करने के लिए, एक टीचर रहेगा जो आपको सिखाएगा, बूट जूता मिलेगा और इसके लिए आपको स्की मिलेगी जिसपे आपको सीखना है। गाइस जैसा आप लोगों ने देखा, मेरे दोनों भाइयों ने भी जो भैया से बात करी एक्टिविटीज के लिए, स्कीइंग का पर पर्सन 2700 ले रहे थे वो। जैसे हमने उनसे बार्गेनिंग करी तो वो 300 में मान गए, लेकिन हमको करनी नहीं थी वो, फिर भी हमने उनसे बार्गेनिंग करी, हमने 200 बोला उनसे, वो 300 में आ गए। तो देखिए आप लोग कैसे लोगों को पागल बनाया जा रहा है, इतना मार्जिन 2700 से 300 पे आ गए वो। तो आप केयरफुली आए और देखें और अच्छे से बार्गेनिंग करें। इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं तथा यह वीडियो मनोरंजन और सिर्फ जागरूकता के लिए बनाया गया है, कृपया इसे दिल पर कोई भी ना ले। तो गाइस अभी बच चुके हैं शाम के 5 एंड सभी एक्टिविटीज भी क्लोज हो गई हैं और सूर्य डूबने की वजह से काफी सर्दी भी हो चुकी है, जिस वजह से काफी भीड़ हो गई है। तो लाइन में घुसने के लिए लोग धक्का मुक्की भी कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। करने के बाद लाइन में लगने के बाद आखिरकार हम आ ही गए हैं नीचे, अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं एंड फिर सीधा जाएंगे हम होटल में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।